वेलकम बैक आप देख रहे हैं डिस्कवर योरसेल्फ और आज हम बात कर रहे हैं टाइप थ्री पर्सनालिटी के बारे में यानी कि अचीवर्स और परफॉर्मर्स के बारे में डॉक्टर न्यूजन हमने ब्रेक के पहले डिस्कस किया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आई मीन दे वांट टू अचीव और प्रेज मिलता है yes. उनको देन दे वॉन्ट टू डू मोर एंड मोर सो बेसिकली उनका जो जॉब है काम है परफॉर्मेंस है अचीवमेंट है दैट इज एवरी फॉर टाइप थ्री पर्सनैलिटी पीपल लेकिन ये पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है और कहाँ से होती है okay. oh, बचपन के समय ये एनेग्राम का टाइप थ्री शुरू होता है एंड द चाइल्ड इन द फैमिली इज ऑलवेज आउटडोर्ड एडमायर्ड वेन एवर द चाइल्ड इज परफॉर्मिंग वेल वेन एवर द चाइल्ड इज नॉट गुड इन दिक्स एंड चाइल्ड इज नॉट गिवन मच अटेंशन से दैट दिस चाइल्ड इज अ डल स्टूडेंट डल चाइल्ड इन द स्कूल And uh, somewhere, uh, the message, unconscious message, is given to the child that you are not accepted, loved as you are. Mm -hmm. You are not accepted for what you are, but you are accepted for what you do, what you perform in the school and in the life. And that's how it is pushed. There are expectations from the parents, ambitions of the parents, elders. They push it on the child. ई बार देखा जाता है पेरेंट्स डाल देते हैं आपको ट्रीट मिलेगी चॉकलेट मिलेगीव टू परफॉर्म वेल आई है वर्थलेस लो सेल्फ एस्टीम एंड इट

शुरुआत इसकी बचपन से ही होती है और माई पेरेंट्स माई फादर स्पेशली ही वॉज वेरी डोमिनेटिंग एंड वेरी एम्बिशियस हिमसेल्फ एंड शुरू से यही था कि डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है नो चॉइस गिवन यू हैव टू स्टडी हार्ड यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर एंड सो दैट यू विल बी रिस्पेक्टेड एंड यू विल हैव योर ओन स्टैंडिंग एंड एटसेट्रा एट्सेट्रा सो दैट वॉज रियली इनग्रेंड राइट इन द बिगनिंग एंड सो इट वॉज नॉट इवन अ मैटर ऑफ चॉइस बट डेफिनेटली द परफॉर्मेंस पार्ट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट

लाइक like, पेरेंट्स uh, चाहते हैं कि वॉट uh, एवर जो उन्होंने नहीं कर पाए वो चिल्ड्रन के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई mm -hmm. और तुम बन जाओ यू नो यू बिकम अ डॉक्टर नहीं तो वो लोग ऐसे करेंगे कि मैं इतना डॉक्टर बन गया और तुम नहीं बने तो क्या होगा यू नो दैट सो मच ऑफ प्रेशर इज बीइंग पुट ओवर द चाइल्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट द चाइल्ड ऐसे फील करती है कि आई हैव टू लिव अप टू द स्टैंडर्ड्स यू नो आई हैव टू बी लाइक दिस एंड आई हैव टू कीप द नेम ऑफ माई फादर और मदर सो वो वो लोग अपने आप के अंदर की जो है भावनाएं हैं उसको दे जस्ट क्लोज एवरी थिंग एंड दे वॉन्ट टू लिव अकॉर्डिंग टू अदर्स एक्सपेक्टेशन और राइट प्रोग्राम के पहले हमने डॉक्टर सुनीति से बात की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि डॉक्टर सुनीति अपने बारे में क्या कहती हैं अपने नेचर के बारे में वो क्या कहती हैं और अपने पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उनका क्या कहना है मैं अपने हर रोज़ के जितने भी काम होते हैं उन्हें एक प्रायरिटी वाइज उनको कैटेगराइज कर देती हूँ जैसे कि जो मुझे बहुत पसंद हैं जो काम या मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है या ज़रूरी है उन्हें मैं सबसे टॉप प्रायरिटी देती हूँ और उसके हिसाब से उसको पूरा करने में जुट जाती हूँ जैसे कि इसकी इंस्पिरेशन एक्चुअली मुझे अपने बचपन से मेरे फादर की तरफ से ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि उनका ये कहना था कि जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मैं कुछ भी करके कैसे भी करके उसको मैं पूरी अपनी मेहनत और अपने समय दे के उसको जुट जाती हूँ जब तक कि मैं उसको टारगेट को अचीव ना कर लूँ कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ाई और या अपने काम की जिम्मेवारी और साथ साथ परिवार की उनको भी देखना सब जिम्मेवारी जो इकट्ठे आ जाता है जिससे कि काफ़ी तनाव भी हो जाता है लेकिन एक अंदर से इच्छा होती है कि बैलेंस भी बना रहे और साथ में अपना कार्य भी पूरा हो जाए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मैं पूरी मेहनत अपना पूरा हंड्रेड परसेंट देने को तैयार रहती हूँ डॉक्टर न्यूटन जैसे हमने देखा कि डॉक्टर सुनीति इस चीज़ को मानती है कहीं ना कहीं बचपन से ही उन्हें प्रेशराइज़ किया गया एंड देन देर इज़ ए सेंस ऑफ अचीवमेंट कि उन्हें कुछ ना कुछ अचीव करना है और आपने भी बताया कि ये ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं चाइल्डहुड में जिसकी वजह से ऐसी पर्सनालिटी डेवलप होती है कोर बिलीफ ऑफ दिस पर्सनालिटी। कोर बिलीफ इज दैट आई एम नॉट वर्थी इनफ एंड आई गेन माय वर्थ बाय परफॉर्मिंग आई हैव टू प्रूव माय वर्थ टू वर्ल्ड सो द कोर बिलीफ इज आई एम नॉट एक्सेप्टेड एज आई एम आई एम नॉट लव्ड एज आई एम एंड आई नीड टू परफॉर्म वेल टू receive all that admiration, adoration, all right. and uh, appreciation from the world. Like Type 2, if I help, then I'll receive that yes, love yes. and appreciation. Yes. This kind of exchange here also in okay. 3 and 4 also. Okay. 2, 3, 4 are a uh, feeling group, mm -hmm. heart group. The mm -hmm. self-image. Self-image. So basically, here the self-image is projected in terms of achievements and success. In Type 2, it is in terms of uh, you know, helping nature. Mm -hmm. You help others to receive hmm. and romantic type where the four they go into a different kind of thing into the self pity mode they deal with the shame or the self image in terms of uh, uh, they attract the attention of everyone by going into melancholy okay yeah. डॉक्टर लक्ष्मी अगर आप इसी को एक उदाहरण के साथ uh, समझा सकें डिटेल में विद एन एग्जाम्पल कि जो टाइप थ्री के लोग होते हैं आई मीन दे इज एन एक्सचेंज मतलब उनका जो इनर इनको कोर बिलीफ है इज सम एम्टीनेस मे बी इनसाइड एंड दैट्स एंड दे वॉन्ट टू प्रूव इट टू वर्ल्ड या लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम टाइप थ्री पर्सनैलिटी को लेंगे दो विंग्स हैं दो आर फोर सो इफ दे हैव ए प्रोडोमिनेट टू विंग दे विल बी मोर ऑफ हेल्पिंग केयरिंग पीपल एंड इफ दे हैव ए विंग ऑफ फोर Then they go into that, you know, they would like to be very special and they go into that uh, deep melancholy, and all these things will come. Uh, jab uh, unka oh, strong uh, four type wing hai. Alright. Dr. Suniti, I am there is an exchange. Jese ki giver or helper type 2 personality mein hota hai, They give their services to people taki unko, return mein pyar mele, or attention mele. There is a need in type 2 people. What kind of a need you feel to achieve a goal? Mata, aapko किस तरह की नीट आई मीन वट वट इज़ गोइंग इन योर माइंड कि जब आपको कोई चीज़ अचीव करनी होती है और देयर इज अ पर्टिकुलर जॉब विच यू वॉन्ट टू डू और अचीव इट्स इट फील्स गुड एंड इट गिवस सम काइंड ऑफ फुलनेस द दैटिस्फैक्शन एंड ऑफकोर्स द बिलीफ वुड गो अराउंड यू आर सक्सेसफुल दैन द पीपल आर विद यू दैट यू You give, so you get. Oh. Okay. So it's like uh, that it's a kind of. Trading. It's a it's yes. A Unless You're you don't give, you cannot work. receive. Yeah. All right. सो so, uh, मतलब डॉक्टर सुनीति का साफ ये कहना है कि अगर आप दुनिया को दिखाते हैं परफॉर्म कर कर कि आप में कैपेबिलिटी है तभी आपको अवार्ड अप्रिसिएशन मिलेगा एंड दे इज अ डील बेसिकली अपने अंदर के खालीपन को अपने आप को प्रूफ करने के लिए दुनिया में जिंदगी में आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं यही बेसिक ट्रेट होता है टाइप थ्री पर्सनैलिटीज़ का इस पर हम आगे भी बात करेंगे कि उनके लिए लाइफ टास्क और लाइफ लेसन क्या है बट ऑल दिस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक